पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं चीज़। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। हसनपुर चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ, किसानों के बीच खुशी की लहर। समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल में आज पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ हो गया। देवघर के पंडित के द्वारा पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ डोंगा पूजा शुरू किया गया। इसके बाद पेराई सत्र का शुभारंभ कार्यपाल अध्यक्ष मेहताब सिंह एवं कार्यपालक उपाध्यक्ष गन्ना शंभू प्रसाद राय के द्वारा पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर किया गया। नवगछिया पुलिस ने देसी कटावा जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। नवगछिया में पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस जिले की कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुर जी कचहरी टोला में शनिवार की देर रात पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पासवान का नक्सलियों के साथ सांठगांठ, लोजपा के महासचिव रहे केशव सिंह का सनसनीखेज आरोप। लोजपा ने इस बार के चुनाव में जदयू को हराने की चाल चली। चिराग पासवान ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बिहार की जनता उसको हैसियत बता दी। उसकी पार्टी लोजपा को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। चुनाव में मिली करारी पराजय के बाद लोजपा में विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। पार्टी के अंदर नाराजगी को दबाने को लेकर बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर भी लोजपा के अंदर विद्रोह की आग सुलग। खगड़िया में मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। मौके पर शराब बनाने के सामान को किया बरामद। खगड़िया जिले में गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्तरी गांव में गोगरी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से देसी शराब के साथ विदेशी शराब बनाने के कई सामान जब्त किए हैं। डिप्टी सीएम को चुनौती, तारकिशोर प्रसाद बोले प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। अपने गृह क्षेत्र में अतिवादी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से खुली चुनौती मिलने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के क्षेत्र कटिहार में DM और SP के दफ्तर में बाहर PFI ने विवादित पोस्टर चिपकाए हैं। को पप्पू का समर्थन, अनिश्चित धरना देगी जाप। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को जन अधिकार पार्टी भी अपना समर्थन दी है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान का समर्थन किया है। पप्पू ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून जो किसान के हित में नहीं है, इन काले कानून को रद्द करना होगा। संघ ने किया बिहार में शाखा बढ़ाने का टारगेट फिक्स। मंदिर और संस्थान में किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बिहार के लिए अपना नया मिशन तय किया है। बिहार में संघ अपनी शाखाओं का विस्तार करेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की दो दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। पटना में 5 और 6 दिसंबर को चली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य बड़े संगठन कर्मी शामिल हुए थे। बिहार में मिले कोरोना के 439 नए मरीज, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 439 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 23,95,065 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,145 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जेडी नेता के भाई का मर्डर, बदमाशों ने डेड बॉडी पर रखा पिस्टल। कल यहीं पर जदयू नेता की हुई थी हत्या। खगड़िया में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। मुख्यमंत्री के हाई लेवल मीटिंग में अपराधियों को कड़े दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन हत्या और लूट जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं।
ताजा मामला खगड़िया जिले का है, जहां बदमाशों ने आरजेडी नेता के बड़े भाई का मर्डर कर दिया है। कल रविवार को इसी जिले में जेडीयू नेता की भी हत्या की गई थी। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।